हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी सुगर। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। आज हम बनाएंगे पनीर चिली रेसिपी, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, टमाटो केचप, चिली सॉस, प्याज, कैप्सिकम, चॉप किए हुए अदरक लहसुन, सोया सॉस एंड कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले हमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा पानी। अब हम यहाँ पे पनीर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर का कलर कैसे एक साइड से चेंज हो चुका है आप देख सकते हैं। अब हम दूसरी साइड से भी पलट लेंगे। पनीर चिली में हमें पनीर थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है। पनीर फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमें सॉस बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगी चॉप किए हुए अदरक लहसुन। थोड़ी देर के बाद हम डाल देंगे इसमें सारे प्याज। उसके साथ में कैप्सिकम भी डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा नमक यूज़ करना है ताकि सब्जी जो है अच्छे से पक जाए। हमें ज़्यादा नमक यूज नहीं करना है क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे। सब्जी जो है अच्छे से पक गया है, अब हमें इससे ज़्यादा और नहीं पकाना है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो केचप, अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पी लिया है थोड़ा पानी। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा कॉर्नफ्लोर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी को सॉस में डाल देंगे ताकि हमारा ग्रेवी मेंटेन रहे। सॉस रेडी हो गया है, अब हम इसमें सारे पनीर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एवरेस्ट का किचन किंग मसाला, जो कि हमारे पनीर चिली के टेस्ट को थोड़ा और बढ़ा देता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पनीर चिली रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़े तेल।